कर्नाटक के 3 दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेताओं की बैठक माननीय खड़गे साहब और माननीय राहुल गांधी जी के साथ हुई, जिसमें मुख्यमंत्री आदरणीय सिद्धारमैया जी, उप मुख्यमंत्री व पीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव गण, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष गण और नेतागण मौजूद रहे। कर्नाटक में जिस प्रकार की भव्य जीत कर्नाटक के जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस को मिली, उसके लिए खड़गे साहब, राहुल गांधी जी ने आप दोनों को और सब नेताओं को बधाई तो दी ही, परंतु अगले जो संसदीय चुनाव हैं उसकी तैयारी की व्यापक चर्चा की, उसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि पार्टी संगठन का एक वरिष्ठ नेता और एक मंत्री हर एक संसदीय सीट का प्रभारी होगा, और अगले 6 से 7 महीने जब तक संसद का चुनाव संपूर्ण नहीं हो जाता, पार्टी के संगठन की पूरी तैयारी की जिम्मेवारी उनकी होगी। श्री राहुल गांधी जी ने, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों को गारंटीज लागू करने के लिए बधाई दी, मुबारकबाद दी। बाकायदा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष को बताया गया कि 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग, 3 करोड़ 50 लाख, ओवर 3 करोड़ 50 लाख पीपल, उनको जो महीने का पैसा 5 किलो चावल के बदले में देना था वो महीने का हस्तांतरण हो चुका है। हमारी जो बहनें हैं कर्नाटका की, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, करोड़ों ट्रिप्स इस समय वो मुफ्त बस की कर चुकी हैं, और महिला मोबिलिटी में एक नया निखार और पूरे देश को दिखाने वाला रास्ता वहां आया है। मुफ्त बिजली की जो 200 यूनिट तक की योजना थी, इसी महीने की 5 तारीख को, 5 अगस्त को उसको लॉन्च कर देंगे, और कर्नाटक के 2 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को 0 बिल आना शुरू हो जाएगा। गुलबर्गा में इसकी शुरुआत करेंगे 5 अगस्त को। इसी प्रकार से इस देश की सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया की सबसे बड़ी महिला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना गृह लक्ष्मी, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, सिद्धारमैया जी, डीके शिवकुमार जी और हम सबका स्वप्न था, उसके लिए बाकायदा 18,000 करोड़ रुपए की राशि इस बजट में बतौर वित्त मंत्री सिद्धारमैया साहब ने रखी है। लक्ष्मी हेबालकर जी यहाँ खड़ी हैं, जो हमारी प्रभारी मंत्री इस विभाग की हैं। रजिस्ट्रेशन इस समय चालू है और 15 से 20 अगस्त के बीच में लगभग 1.3 करोड़ महिलाओं को सीधे 2,000 रुपया मासिक उनके खाते में हस्तांतरण शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया और ये बताया गया कि लगभग प्रांत के 92 से 93% लोग किसी ना किसी कांग्रेस की गारंटी से लाभान्वित होंगे, और एक तरफ मोदी जी हैं जो कर्नाटक के मॉडल की दुहाई देकर पानी पी पी कर कोसते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है जिसने जन कल्याण की एक ऐसा रास्ता शुरू किया है जिसका अनुसरण भाजपा की सरकारें भी करने लगी हैं, अलग अलग प्रांतों के अंदर हमारी आलोचना करते हुए भी। तो ये जान लीजिए कि कर्नाटक के 92% लोग कांग्रेस की गारंटियों से लाभान्वित होंगे, और हमने ये निर्णय लिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगले 6 महीने में एक एक बेनिफिशियरी के घर तक जाएंगे, उनको कांग्रेस के इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे, और संसदीय चुनाव में, ताकि उनकी एक निर्णायक रचनात्मक भूमिका रहे, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने, उन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कम से कम 20 सीट अवश्य संसद
संसदीय चुनाव में जीतेगी। 3/4 से ज्यादा सीट जीतकर कांग्रेस का परचम लहराएंगे, कोशिश करेंगे कि 28 की 28 सीट जीतें, परंतु कम से कम 20 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जिस प्रकार का जमीनी माहौल है। और भाजपा के षड्यंत्र को और मोदी जी की उस आलोचना को जो बार बार कर्नाटक का नाम लेकर पानी पी पी कर कोसते हैं, उसका बाकायदा जवाब वोट की चोट से दिया जाएगा।